तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों अभी सुबह का मतलब 4:55 बज रहा है और मैं उठ गया हूँ क्योंकि आज से एक्सरसाइज करना चालू कर रहा हूँ मैं। और आज से भाई अपना पेट कम करेंगे। भाई पेट तो है मतलब थोड़ा सा निकल गया है, तो इसको तो मैं चाहता हूँ कम करना, तो इसलिए मैं सवेरे उठूँगा और जाके एक्सरसाइज करूँगा। तो भाई सुबह सुबह अभी हमारी वाइफ तो सो रही है, वो तो जाएगी नहीं, तो हम चल देते हैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर पार्क में। पार्क में चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं पार्क का नज़ारा और क्या कौन सा एक्सरसाइज करते हैं पेट कम करने के लिए, वो भी दिखाएंगे। तो देरी ना करते अपने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करते सबसे पहले। अभी तो ठंडा होगा, अब इसका प्रेशर बड़ा नहीं होगा, जबकि प्रेशर इसको पड़ना है। दोस्तों देरी ना करते हुए हम लगाते हैं अपने हेलीकॉप्टर का गायर और फिर आप लोगों को ले कर चलते हैं पार्क में, फिर दिखाते हैं कि पार्क कैसा है और वहाँ पर एक्सरसाइज करने वाला क्या क्या चीज़ व्यवस्था है सऊदी में, और लोग आए हैं कि नहीं। मैं अकेले ही जा रहा हूँ इतना समय, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। चलते हैं पार्क में फटाक से। देखो यहाँ पे अंधेरा है पूरा, देख सकते हो अभी नमाज चालू हुई है, चलते हैं पार्क में। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पार्क में और भाई साहब नज़ारा दिखाता हूँ सबसे पहले आप लोगों को पार्क का। और सुबह सुबह का नज़ारा देखो, वाह, इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्त। ये देखो भाई यहीं से सूर्य उदय होगा और अभी लाली आ गई है लेकिन उदय हुआ नहीं है। और भाई साहब यहाँ पे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे टहल रहे हैं लोग और यहाँ पे लेडीज़ भी टहलती हैं देखो। और यहाँ पे पानी चालू कर दिया वो बंगाली भाई उठ के आके, सुबह सुबह पानी चलता है पूरा, इसमें लगाते हैं लोग पानी। ये सब घास है और एक खजूर का पेड़ है, बस ऐसे ही पार्क होता है अच्छा सा। और भी दिखाते हैं आप लोगों को, इधर देखिए पत्थर उत्थर लगा पड़ा है, लगता है ये पत्थर किसी ने ला के अलग से रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो पत्थर ऐसा रहता नहीं है, ऐसी जगह तो नहीं जाएगा, तो डिजाइन के लिए ला के रखा गया है। और बाकी नज़ारा, ये वाला नज़ारा खूबसूरत लग रहा है मुझे तो। देखो बादल देखो कैसे हुए हैं, ये देखो आप लोग, मस्त नज़ारा एकदम खूबसूरत, वंडरफुल। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देखो अभी इधर मतलब मदरसा भी 6:20 पे जाना होता है, तो मैं आया हूँ थोड़ा यहाँ पे टहला हूँ। पहले नंबर तो राउंड मारा हूँ, दो राउंड मारा हूँ उसको, एक किलोमीटर यानी 1100 मीटर का एक राउंड है, तो एक राउंड मैंने मारा इस पर। उसके बाद मैं इधर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। पूरा देख सकते हो ये पूरा झूला पूरा सब लगा पड़ा है यहाँ पर, और ये झूला क्या बोलते हैं, बच्चे से लेके जवान तक झूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टूटता भी नहीं है, क्योंकि ये झूला है लोहे का जंजीर का बना हुआ। तो अपन भी झूल लेते हैं भाई, किस बात की देरी, झूला झूलने में कैसी शर्म। अरे सावन के झूले ने मुझे ना बुलाया, इसीलिए मैं परदेसी घर नहीं आया। भाई देख सकते हो क्या झूला झूल रहे हैं हम, मज़े से मस्त, मज़े में मौला बने, मौला बनूं मौला, मज़ा आ रहा है भाई सावन के झूले में झूलने में। तो ये सब झूला है देख सकते हो, हर पार्क में मिलता है यहाँ पे। और बाकी और भी दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए ये बच्चों को खेलने वाला है, उधर से सरकते हैं इधर आते हैं, उधर सरकते हैं इधर आते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लगता इसका। बाकी नज़ारा देखो, अभी सूर्य उदय हो रहा है, आप लोगों को आज सऊदी का सूर्य उदय दिखाई देंगे एकदम मस्त के। ये देखो गाइस क्या खूबसूरत नज़ारा, ये देखो सूर्योदय हो गया एकदम लाल कलर का, देख सकते हो आप लोग एकदम मस्त सा उदय हुआ है। तो बताओ आप लोग कैसा दिख रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताना सूर्योदय कैसा दिखा यहाँ का सऊदी का, मस्त था कि नहीं, मौसम कैसा था, और ठंड हल्का ठंडा है मतलब मौसम एक नंबर का है, ऐसा लग रहा ना यहाँ पे चटाई बिछा के सो जाऊँगा इस कसम से, इतना मस्त मौसम है। और बाकी यहाँ पे देखते तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज करने लोग आते हैं, यहाँ पे टहलते हैं। और ये टूटा हुआ था जब मैं नया आता था, टूटा हुआ था ये, पता नहीं नया बना है क्या हुआ है, इसको लोग पेंट उन्ट करवाने लग रहे हैं, यहाँ पे बनेगा पिज्जा विज्जा विज्जा। और ये देखो नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा देखो सऊदी का, उस साइड हाईवे है और इधर फूल भी है। लोग बोलते हैं सऊदी में फूल नहीं होती, ये फूल देखो भाई साहब, एक नंबर फूल, एक नंबर पेड़ है। पानी चलाते रहोगे तो फूल क्यों नहीं उगेगा भाई, है कि नहीं, जब पानी हम चलाएंगे तो फूल क्यों नहीं उगेगा, उसको केयर करना चाहिए,
रेगिस्तान में भी वैसे पेड़ उग जाएंगे। आप केयर तो करो, पानी डालो टाइम से, टाइम टू टाइम सब कुछ करो। यहाँ पे एक चाचा आते हैं बेचारा सफाई करने के लिए, वो भी सुबह से 5 बजे ही आ जाते हैं भाई। तो सफाई वाला तो काम बहुत ख़राब होता है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सफाई वाला काम बहुत ख़राब है। 8 घंटा का ही ड्यूटी है, लेकिन भाई साहब दोपहर में भी इन लोगों को काम करना पड़ता है। तो हम चलते हैं अभी और आगे भी कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। उधर बहुत सारा है एक्सरसाइज करने वाला सामान, जैसे कि पेट वेट पचाने के लिए, सिक्स पैक बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, और बुड्ढों के लिए चक्री नचाने वाला, ऊपर वो खींचने वाला, बीम खींचने वाला, बहुत सामान है। अभी तो यहाँ पे सुबह का नज़ारा इसलिए ऐसा दिख रहा है, शाम को यहाँ पे लोग आते हैं अपना बेचने के लिए, वो बाइक को, मतलब बच्चों वाला बाइक को लेके आते हैं, इस पर नचाते हैं, पता है, इस पर नचाते लोग, घर घर स्कूटर स्कूटर रहता है, इस पर नचाते लोग। और देखो नज़ारा अभी कैसा हो रहा है, मस्त का हो रहा है एकदम, वंडरफुल मोमेंट। और लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, पानी देखो कैसे चल रहा है, हरे हरे भरे हरे हरे भरे हरे हरे चल रहा है एकदम। बहुत बड़ा पार्क है गाइस, इतना बड़ा पार्क हमारे मतलब होता है, लेकिन हमारे यहाँ पार्क में क्या होता है भाई साहब, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं और यहाँ पे फैमिली आती है, बात यही फ़र्क है कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग नहीं आते, यहाँ पे पति पत्नी बच्चे बूढ़े जवान सब आते, लेकिन यहाँ पे चुम्मा चाटी वाला सिस्टम नहीं होता है, रियलिटी बोल रहा। यहाँ पे सिर्फ खाने पीना, देखो पानी कैसे चल रहा है। और ये जो दूभा देख रहे हो अपने, इसको दूभा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, घास, ये घास रियल है, ये फेक नहीं है, देख सकते हो आप लोग, इसमें डेली पानी डालते लोग, सुबह शाम पानी चलाते रहो, ठीक है गाइस, देख सकते हो एकदम। और हम भी पैदल ही चल रहे हैं ऐसे ही, मस्त मोरा बन के रोड स्काई पे, हमारा हेलीकॉप्टर भी उधर है, तो हेलीकॉप्टर को लेकर चलेंगे, भी जाना भी पड़ेगा, मदरसा भी जाना है ना, 6:20 पे वो आ जाती है कभी की लड़की बुलाने के लिए हमको। तो और आगे चलते हैं यार, कुत्ता का बच्चा दिखा हमको, तो बहुत दिन बाद पहली बार हमको कुत्तिया का बच्चा दिखा यार, उसको तो हम देखेंगे, कसम से कुत्ता का बच्चा नहीं देखे थे यहाँ पे। अपने यहाँ तो बहुत आते हैं भाई साहब पिल्ले जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार दिखाऊंगा आप लोगों को भी। ये देख सकते हो एक भाई, एक ही बच्चा है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, चलते हैं आगे दिखाते हैं, ये देखो ये जा रहा है, ये देखो ये पिल्ली है, पिल्ली का बच्चा छोटा सा, कितना क्यूट है भाई। मुझे तो कुत्ते बहुत पसंद है, ईमानदारी से बोल रहा, कुत्ते क्या बोलते हैं मुझे पालने का शौक़ है, लेकिन यार अब घर जाएंगे घर बन, ये भाग रहा है, तो ये भाग रही है, देखो ये देखो वो खेल रही है, माँ अपने बेटे के साथ खेल रही है, देखो कितना प्यार से खेल रही है यार, मतलब हर एक इंसान में भाई साहब क्या बोलते हैं माँ माँ ही होती है। देखो ये देखो, ये देखो खेल रही है उसके साथ, ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, इसको भी एक लाइक बनता है, नहीं अभी तक नहीं किया तो इसको लाइक मार दो भाई, भाग रहा है यार, तगड़ा है पूरा, ये मन कर रहा है इसको लेके जाऊँ अपने रूम पे भाई, ईमानदारी से बोला, उसकी माँ देख रही है, आ रही है पीछे पीछे, ठीक है मेरे बेटे को कुछ करना दे, देखो आ रही हो, ये डर रहा बेचारा, हमारे यहाँ से बोलो कूद 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 कूद, अरबी में कहो अरबी में कैसे बोलेंगे, मुन्ना मुन्ना, उसको उसकी माँ आ रही है, देखो किस तरह दौड़ते हुए आ रही है उसकी माँ, देख रहे हो, उसको लग रहा है मैं इसको बच्चे कुछ कर रहा हूँ इसलिए आ रही है, देखो भाग रही है अभी लेके, उसको भगा रही है, देखो यार माँ बात, माँ बेटों का प्यार देखो कितना प्यारा है, मतलब माँ उसको देखी है, उसको बुला रही है अभी पीछे पीछे, ओए ओ बहादुर बेटे, ओए जहाँ जा रहा इसके पार पैर देखो, जहाँ जा रहे इसके पैर देखो, जहाँ जा रहे गाइस इसके पैर देखो कितना प्यारा दिख रहा है, ओ भाग रहा है, देखो उसकी माँ उधर गई, वो भी जा रहा है पीछे पीछे जा रहा है, खुदा ना खासा कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाएगा, क्योंकि रोड पे बहुत गाड़ियाँ चलती है बेचारे का, बहुत प्यारा लग रहा है वो तो, चल जा चल जा, तेरी माँ उधर गई, गाड़ियाँ इधर रहती है, हमारा हेलीकॉप्टर इधर खड़ा है, तो चलते हैं गाइस,
टाइम देखते हैं कितना हो गया पहले, उसके बाद लेके चलते हैं आप लोगों को और आगे दिखाते हैं कुछ। तो दोस्तों मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, 8 मिनट में मुझे रूम पे पहुंचना है यहाँ से, और बाकी क्योंकि 8 मिनट में वो हमारे कफे की लड़की बाहर निकल जाएगी क्योंकि वो 6:20 पर जाती है। तो दोस्तों अभी हमको देरी ना करते हुए उड़ाते हुए चलना पड़ेगा, और आपको कैमरा दिखाते हैं, रुक जाओ। जो स्टैंड वाला कैमरा होता है सऊदी में कैसा होता है भाई, लड़ाएगा क्या तू इतना स्पीड से आ रहा तू भी, हाँ भाई। तो अभी कैमरा दिखाते हैं आप लोगों को स्पीड वाला कैमरा कैसा है सऊदी में। ये देखो ये पास में है, लुकवा के रखा गया है इसमें, और यहाँ पे गाड़ी है, एक गाड़ी ने यहाँ पे वो देखो ये सिर्फ ये है कैमरा दिख रहा, देखो बैटरी लगा दो ना और एक कैमरा है। अगर रोड के दोनों साइड पे कोई भी स्पीड से जाएगा ना दोनों तरफ मारेगा, ये उस साइड पे जाओगे तो पीछे से मारेगा, इस साइड पे आओगे तो आगे से मारेगा। देखो कैमरा कैसे, देखो दिख रहा, ऐसे होता है स्टैंड कैमरे सऊदी में। और भाई साहब बहुत प्रकार के कैमरे होते हैं, खंभा वाला कैमरा होता है, डब्बा वाला कैमरा होता है, ये कैमरा होता है, चपटा वाला होता है, अरे मतलब बहुत कैमरे है भाई सब सऊदी में, हर प्रकार के कैमरे है भाई सब, कैसे भी मार सकता तुमको। और ऐसी ऐसी जगह रखते हैं ना भाई साहब तुमको पता भी नहीं चलेगा। और ये यहाँ का क्या बोलते हैं हाल है, शादी हाल देखो, ये में शादी होती है इधर, मतलब सऊदी लोगों की शादी होती है। देखो यहाँ पर नज़ारा, अभी सूर्य उदय हो गया है, और ये जुमा मस्जिद है भाई, मुसलमान लोगों को देखो अगर देखते हो हमारी वीडियो तो मुस्लिम के लिए बता दे रहा हूँ, ये जुमा मस्जिद है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, और जुमा के दिन यहाँ पे क्रिकेट होता है। अगर आपके पास जुमा को आपको दिखाएंगे क्रिकेट यहाँ पे सुबह से इसी समय से शुरू कर देते हैं लोग क्रिकेट खेलना, यहाँ पे आएंगे तो दिखाएंगे आपको जुमा के दिन, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, भूलिएगा ना जुमा के दिन आप लोग क्रिकेट दिखाएंगे यहाँ पे क्रिकेट खेलते लोग। ये देखो मस्जिद है जुमा मस्जिद यहाँ पे, बाकी सिग्नल तो खुला है जिसने दबाते हैं गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे यूटर्न वाला अभी भीड़ रहेगा, यूटर्न वाला 30 सेकंड ज़्यादा रहता है। तो हमारा स्पीड कितना है, ये 100 करोड़ है तो 100 की स्पीड भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो कितना स्पीड जा रहा है वाला, हम 100 पे चल रहे हैं ऑलरेडी, वो 120 या 130 की स्पीड चल रहा है, सोच रहा था निकल जाऊँगा लेकिन निकल नहीं पाएगा बेचारा, होशियार बनना तो रुकना पड़ेगा, कितना स्पीड जाएगा ये तो इधर हो जाएगा, हाँ इधर हो गया देखे। तो ये नज़ारा देख सकते हो, और अभी देखो मैं जो बोल रहा था यूटर्न वाला खुला रहेगा, मैं यूटर्न हो सकता हूँ यहाँ से, अभी देखना आप लोग यूटर्न होगा। देखो यूटर्न वाला ग्रीन लगा है ना यूटर्न पे, देखो ये देखो यूटर्न पे ग्रीन है ना ये वाला, तो यहाँ से यूटर्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे नहीं जा सकते भैया। और नज़ारा देखो भाई आप लोगों को, सऊदी का नज़ारा हमारी वीडियो में देख सकते हो भाई, ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता होगा जैसा मैं लाइव दिखाता हूँ भाई। सभी हम चलते चलते पूरा बढ़िया से खतरनाक सा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, ऐसा नज़ारा कोई नहीं दिखाता होगा भाई। और ये देखो ये सब एरिया है ना, ग्रेन और का सीमेंट उमेंट बेचता है यहाँ पे, देखो ये सब सीमेंट उमेंट बेचते हैं लोग यहाँ पे, देखो ऐसे जो ट्रैक व्रक है पूरा ये एरिया है यहाँ पे, जैसे क्रान जेसीबी ट्रक व्रक जो भी चाहिए भाड़े पे, आपको ये भाड़े पे ले जा सकते हो यहाँ से, ये सब भाड़े पे मिलता है। और भाई सब पक्षी देखो, ये पक्षी देखो, पक्षी देखो कितना सारा पक्षी देखो, वाह आप लोगों को तो आज बहुत, ये देखो कबूतर, आज आप लोगों को बहुत सारा कुछ दिखा है भाई साहब, वीडियो पर जरूर बताना कैसा। और नया एरिया बस रहा है, इस नया एरिया ये हो रहा है, मतलब ऐसे नया पूरा नया घर बन रहा है, चारों सब चारों जितना भी सब बन रहा है ना, ये सब नया घर बन रहा है पूरा, ये पूरा एरिया नया बन रहा है। तो अभी यहाँ पे ही मेरा भाई आएगा, मतलब अभी तो रियाद में जाएगा, वो 9 तारीख को रियाद जाएगा, 9 तारीख में वहाँ से लगभग 5-6 महीने या साल भर वहाँ पर रहेगा, उसके बाद उसका कफील यहीं पे घर हमारा कफील ही बनवा रहा है उसका, मतलब मेरे भाई के कफील का घर मेरा कफील बनवा रहा है नया, मेरा कफील तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो वो बनवा रहा है नया घर, बनवाने के बाद जब बन जाएगा तो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे बुरैदा में, रियाद से बुरैदा में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये देखो भाई साहब ये नज़ारा देखो क्या मस्त घर, एक घर पर 3-3, 4-4 गाड़ियाँ, और ये घर पर देखो भाई साहब क्या घर है भाई साहब, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना तो भाई साहब खजूर के पेड़ ही मिलेंगे, हर तरफ खजूर के पेड़, क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे टिक ही नहीं सकता जल्दी, अब यहाँ पे आम लगा हो तो थोड़ी टिकेगा भाई, आम थोड़ी टिकेगा इसमें रोड पे सूख जाएगा, तो खजूर भाई ये वाइट वाला घर अभी नया बना है भाई। और देखो यहाँ पे पानी लेते हैं, ये फ्री का पानी रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिल्टर का पानी रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ये देखो भरते रहे। और हम धीरे धीरे बातें करते करते हम अपने मकसद यानी अपने मिशन पे पहुंचने वाले हैं, मिशन मेरा था यही घर पहुंचना, आप लोगों से बातें करते करते घर भी पहुंच गए, समझ लो पहुंच गए, 1 मिनट लगे यहाँ से, तो कितना टाइम लगा यानी 5-6 मिनट लगा मुझे आने में यहाँ पे, 5 मिनट लगभग लगभग। देखो यहाँ पे भी बच्चों का मदरसा है, मैं दिखाता हूँ आप लोग देखना ध्यान से,
ये बच्चे यहाँ पे देखो मदरसा सुबह सुबह यार 5 बजे ही मदरसे 5:30 बजे ही मदरसे चालू रहते हैं। अब देखो ये मदरसा है, यहाँ पे लोग अपने बच्चियों को छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची मतलब बच्चे नहीं बच्चियाँ पढ़ते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे ये बच्चियों का गर्ल्स स्कूल है। ये देखो सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपने अपने मतलब क्या बोलते हैं बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे हर गाड़ी से भाई सब, ऑडी से कोई आ रहा है तो कोई किससे आ रहा है, सब लोग छोड़ रहे हैं अपने बच्चों को और छोड़ के फिर लोग चले जाएंगे, फिर आएगा छुट्टी होगा तब। देखो ये सब मदरसा है मतलब, ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है गाइस, मस्त है कि नहीं। सुबह का मौसम ही कुछ अच्छा होता है भाई साहब, सुबह का लोग बोलते हैं शाम सुबह का दवा और लाख रुपए का दवा, ये बात तो सही है ना, कौन कौन मानता है इस बात को, सुबह शाम का हवा लाख रुपए का दवा। और हम फाइनली आप लोगों से बतियाते आ गए हैं अपने रूम के पास, रूम हमारा किधर है आप लोग बताना, देखते हैं बता पाता कि नहीं कोई। तो गाइस ये हमारा रूम आ गया है जहाँ पे लाइट जल रहा है, देखो ये देखो ये हमारा रूम है ये, और ये हमारा कपिल का एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी अंदर पड़ा है, वो दोनों गाड़ी वही चलाता है। तो हम सबसे पहले लाइट बंद कर देते हैं, तो चलते हैं लाइट बंद करते हैं, दिखाते हैं ये लाइट जो चालू है, देखो 4-5-6 लाइट जो है चालू रहता है, कैमरा तो दोनों तरफ है तो बनता नहीं, मुझे दिखाते हैं ये देखो बंद हो गया। और देखो एक गाड़ी इधर है, ये बेटा बेटी की गाड़ी है लैंड क्रूजर, और कैमरा देखो उधर भी कैमरा है और इस साइड पे भी कैमरा है, दोनों साइड कैमरा है, लेकिन मुझे कैमरा से क्यों लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा कपिल आज तक कुछ नहीं बोला है, मैं कहाँ गया हूँ कहाँ नहीं गया हूँ कुछ मतलब नहीं है उसे, कोई पूछता उछता नहीं है, चेक करता है लेकिन बात देखता भी है लेकिन नहीं बोलता है, बस उसको मतलब रहती है तो पूछता है फिर रनता राजन। तो मैं रूम पर रहता हूँ, रूम पर बताता हूँ, नहीं तो जहाँ भी रहता हूँ वहाँ बता देता हूँ सीधे सीधे, तो उसको काम रहता तो बोलता है यहाँ पे जाओ, और क्या बोलते हैं नहीं रहता तो बस खलास, वो अगर गाड़ी नहीं देखता पूछता है मतलब कहाँ हो तो बस बता देता हूँ, बोलता खलास। तो दोस्तों अभी इंतजार कर रहे हैं कपिल की लड़की की, इसी गेट से वो आती है और मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, आएगी तुरंत बैठेगी, हमारा गेट इधर है पास में मतलब घर में ही, हम घर में ही रखा हमको भी, ऐसा नहीं है कि बाहर रूम दिया ऐसा नहीं है, घर में ही है। तो इंतजार करते हैं उसका, वो आएगी बैठेगी, अपने दोस्त को भी लेने जाती है साथ में क्योंकि उसकी दोस्त है ना उधर आगे जाके थोड़ा सा मतलब 1 किलोमीटर दूरी पर उसकी दोस्त भी मतलब रहती है, तो उसके घर पर जाती है ले के, तो हम जाते हैं साथ में ही, लेकिन आने के टाइम पर वो नहीं आती है दूसरे मतलब अपने घर पर फैमिली के साथ आती है, जाने तो हमारे टाइम हमारे कपिल की लड़की के साथ जाती है। तो अभी आती है फिर देखते हैं कब तक आती है, कब तक चलती है, जाती है कि नहीं जाती है अभी पूछते हैं। और इसकी बहन बड़ी वाली भी आज बोली है, सुबह मैसेज कर दी है कि राजन अनर रो सास सबा जामा, मतलब आना मतलब होता है मैं, रो मतलब होता है जाना, जामा मतलब होता है मतलब कॉलेज, और सबा मतलब होता है साथ, यानी वाहिद इतने तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा सबा तमानिया तिस्सा असरा, वाहिद इतने तलाता अरब खमसा सित्त सबा तमानिया तीसा असरा, 10 तक गिनती है पूरा मुझे आता है, 100 तक गिन लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, पहले तो एक भी नहीं आता था। तो इंतज़ार करते हैं गाइस आती है फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है देखते हैं कब तक आती है, तब तक इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों वो आ गई, तो दोस्तों बच्चों को मदरसा छोड़ दिए, बच्चियों को मतलब इसी मदरसे में देखो जा रहे हैं लोग, तो इसी मदरसे में हमको छोड़ना था तो हम छोड़ दिए, और अभी हम चल रहे हैं अपने रूम पे, कपिल का चाबी है मेरे पास लैंड क्रूजर का, तो वो मांग रहा था लैंड क्रूजर का चाबी क्योंकि उसका भाई ले गया था लैंड क्रूजर, तो वो बोल रहा था कि चाबी कहाँ है, तो मैंने बोला तुम्हारी लड़की को छोड़ने आया हूँ मैं, तो बोला जब आना तो गाड़ी के ऊपर चाबी रख देना, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, सब यहाँ पे सब लड़के मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के गाड़ी से आते हैं, कुछ लोग पैदल भी आते हैं, देख सकते हो पैदल भी आ रहे हैं लोग, नहीं तो सब लोग गाड़ी से 4x4 जो पास में होते हैं वो पैदल आते हैं, जो दूर को होते हैं मतलब आधा किलो अगर 500 मीटर भी दूर रहेंगे ना तो लोग समझ लो गाड़ी से आएंगे, हाँ 100 मीटर और 50 मीटर की बात अलग है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं अपने रूम पे, देखते हैं हमारी वाइफ का कर रही है, और 6:30 हो गया है, आधा घंटा का और टाइम है मेरे पास, उसके बाद चल जाना मुझे कॉलेज में, और पता नहीं कपिल की दूसरी वाली लड़की यानी 3 लड़की हैं, ये छोटी वाली को मैंने छोड़ दिया, बड़ी वाली 7 बजे जाएगी और बीच वाली का कुछ अता पता नहीं है कब जाएगी, तो देखते हो कब जाती है, अगर जाती है कि नहीं जाती है मुझे तो पता नहीं है, उसने बताया नहीं अभी तक, मैसेज भी नहीं किया इसका, तो मुझे पता रहता है छोटी वाली का, ये 6:20 पे बाहर निकल जाती है, और आज भी 6:20 पे बाहर निकली। तो अपन चल रहे हैं, देखो कितना सब गाड़ी जा रहा है, जितना भी गाड़ी इधर जा रहा है ना ये सब लोग मदरसा ही छोड़ने जा रहे हैं, जितना भी देखो सब बच्चे के साथ जा रहे हैं, ये सब लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए मदरसे में, लड़कियों को बच्चों को जो भी होता है, मैडम लोग होती हैं
ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं देखो, और ये गली खोपचे से होते हुए जब जितने भी लोग आ रहे हैं सब मदरसे में ही जा रहे हैं छोड़ने, तो हम भी चलते हैं अपने रूम पे देरी ना करते हुए फटाक से। दोस्तों अभी देख सकते हो हम आ गए हैं रूम पे, और हमारा कफिल चला गया है अपनी गाड़ी लेके जो यहाँ पे खड़ी थी किया, वो चला गया, अभी मदरसे में अकाउंटेंट है ना तो भी चला गया है, और मेरी वाइफ तो अभी सो रही होगी, मुझे पता है 100% सो रही होगी, देखते हैं दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं, लॉक भी नहीं किया, सो रही है अभी तक, मैं तब से गया हूँ तो तब से सो रही है। तो भाई हम एक ड्यूटी ख़त्म करके आ गए, 8 बजे के पहले नहीं उठती है, 8 बजे 8 बज जाएगा तो उठेगी, 8 बजे पहले इसको मैं जगाता भी नहीं हूँ, बर्तन तो ऐसे पड़ेगा, हम नाश्ता वास्ता बनाएगी, 8 बजे उठेगी तब तो हम ड्यूटी ख़त्म करके आ जाते हैं, 7:30 मतलब 7 बजे जाएंगे जामा छोड़ने कॉलेज में, तो 7:30 बज जाता है, आधा घंटा का रास्ता रहता है यानी 35 किलोमीटर दूर रहता है, आधा घंटा लगता है 35 किलोमीटर सफ़र करने में, तो आधा किलोमीटर जाने में मतलब आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में यानी 7:30 बज जाएगा जाते हुए, आते हुए 8 बजे उठेगी, फिर बनाएगी नाश्ता, फिर करते हैं। तो दोस्तों अभी तो पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी, मतलब अभी टाइम तो हुआ नहीं उसका, तो अभी नज़ारा देखो कैसा है सुबह का, मतलब जो बादल कैसे कैसे हैं, ये बादल देखो जैसा दूध फटा हुआ है। हाँ जी, किसका फ़ोन आ रहा है? अच्छा फ़ोन आ रहा है, फ़ोन कहाँ आ रहा है जी, मैं अम्मा का फ़ोन क्या लग रहा है, पापा अम्मा का फ़ोन है, पापा मेरे फ़ोन कर रहे हैं गाइस, थोड़ा बात कर ले, देख सकते हो हमारे पापा जी, हमारी पापा जी जो है फूआ फ़ोन की हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कफिल की लड़की आ रही है, वो बोली है आने के लिए, तो हम जा रहे हैं गाड़ी को मतलब स्टार्ट करने के लिए, ये मेरा चाबी मतलब मेरी गाड़ी का और रूम वूम का सब चाबी है, और ये कफिल का चाबी है ये वाला लैंड क्रूजर का, देखो लिखा लैंड क्रूजर, इसको रख देते हैं कफिल की गाड़ी पर जहाँ पर उसकी लैंड क्रूजर है, बोला था उसके ऊपर रखने का, तो हम रख देते हैं चाबी इसको खोल, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इस पर और इसको फ़ोटो भेज देते हैं कफिल को। तो दोस्तों हमने रख दिया, जैसा कि आपने देखा कहाँ पे रखा मैंने, अब वहाँ पे रख दिया हूँ, और मैं चलता हूँ, उसकी बीच वाली लड़की आ रही है, मतलब दोनों लड़कियाँ के साथ में आएंगी लगता है, और दोनों को साथ में लेके जाना है, तो पहले इसको छोड़ देना है यहाँ पे, इसको छोड़ के वैसे वैसे निकल लूँगा मैं जामा यानी कॉलेज में, हम गाड़ी स्टार्ट कर दी है, वो भी निकल रही है यहाँ से, और हम लेके चलते हैं उसको पहले जहाँ पे कफिल की छोटी वाली लड़की को छोड़े हैं, वहाँ पे दूसरी वाली यानी सेकेंड वाली लड़की को छोड़ेंगे, फिर थर्ड वाली लड़की को लेके जाएंगे जामा में कॉलेज में, तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं, आ रही है वो, और फिर चलते हैं जामा दिखाते हैं, वहाँ पे लोग भी मिलते हैं हमसे, तो मिलेंगे उन लोगों से भी, फिर दिखाएंगे हम लोगों को, ठीक है गाइस। तो दोस्तों अभी हमने छोड़ दिया है कफिल की लड़की को जामा में, ठीक है, और वो बोल रही है कि एक घंटे में मैं क्या बोलता हूँ फिनिश कर लूँगी, एक घंटे में मेरा ख़त्म हो जाएगा मतलब एग्ज़ाम चल रहा है उसका, एक घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और बोलिए उसके बाद ट्रेनिंग देने जाना है मुझे 40 किलोमीटर दूर, मतलब 40 मिनट का रास्ता है, मैं लोकेशन भेजूँगी तुमको, तो देरी ना करना, चलो कोई बात नहीं, कम से कम नाश्ता तो कर लूँ मैं, जाके रोटी ला के दे दूँ मैडम को और नाश्ता कर लूँ, तो मैं जल्दी से चलता हूँ रूम पे, रोटी लाना फिर और फिर नाश्ता भी करना, पता नहीं हमारी वाइफ ने नाश्ता बनाया कि नहीं, उसको बोल देता हूँ चाय वो बना दे, यहीं से मैसेज कर देता हूँ, देख सकते हो सब लोग छोड़ छोड़ जा रहे हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो ऐसे होता है कॉलेज का जामा यानी जामा बहुत बड़ा है, लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर एरिया में, 10 किलोमीटर भाई, 10 मीटर नहीं 100 मीटर नहीं, किलोमीटर बता रहा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40-50 किलोमीटर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, लड़कियाँ का कॉलेज है सिर्फ, तो देखते हैं इधर कोई है कि नहीं, इधर क्या बोलते हैं आया है कि नहीं, और लोग आए यहाँ पे भी मिलते हैं उन लोगों से। तो दोस्तों हमने बोला था ना यहाँ पे दोस्त बहुत ज़्यादा मिलेंगे, देखो भाई साहब ये सब लोग इधर ही है, देखो वो बोल रहे हमारे चचा बोल रहे हमारी वीडियो ना, तो सब लोग अपने यूपी से भाई साहब यहाँ पे, मतलब कोई आजमगढ़ से है तो कोई लखनऊ से है तो कोई कहाँ से तो कोई कहाँ से, तो सब लोग यहीं पे भाई साहब डेरा जमाते अपना, देखो मजली से चचा हुआ है, देखो ये भी डेरा जमा रहा है, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह जाएगा, टेंशन ना लीजिए, हाँ इनको थोड़ा फेमस कर दो यार गाइस, इतना फेमस होना चाहते हैं, और इनको कौन कौन देख रहा है कोई पहचाना तो बताना, मेरे 5000 फॉलोअर है फेसबुक पे, 5000 फॉलोवर इनके, आप कहाँ के हैं? आप यूपी इलाहाबाद के, इलाहाबाद के रहे भैया, इलाहाबाद के भाई साहब, जाके भाई साहब इलाहाबाद और गोरखपुर बनारस जहाँ भी हो भाई देखते हो उनको, तो पहचानते हो तो बताना कमेंट में, हाँ चाचा को हम देखे हैं कहीं पे, अगर 5000 फॉलोवर 5000 से कोई देखता हो हमारी वीडियो तो बताना जरूर। और यहाँ पे देखो भी डेरा जमा दिए हैं पूरा एकदम बढ़िया से भाई साहब, एकदम रखे उखे एकदम खजूर फजूर का पेड़ खूब बढ़िया से है, और यहाँ पे सब जामा जो हम बताए तो जामा एक कॉलेज है, यहीं पे लोग इंतजार भी करते हैं, तो अपनी अपनी हेलीकॉप्टर को यहाँ पे पार्किंग लगा दिए सब लोग देख सकते हो, और हेलीकॉप्टर को पार्किंग लगा के अब यहाँ पे इंतजार करेंगे हम, तो भाई चल जाते हैं रूम पे क्योंकि हमारा काम रहता है, भैया देखो आ रहे टकलू हो गए क्या,
और टकलू हो गई भैया। तो मतलब यहाँ पे लगभग 40-50 लोग रहते हैं, और यहाँ पे 40-50 लोग आते रहते हैं, जहाँ हमें मतलब कॉलेज में छोड़ते हैं, इंतजार करते हैं। तो ऐसा है, और यहाँ पे मज़ा भी आता है, अगर रुकने वाला होता है तो रुकते हैं तो मज़ा आता है। लेकिन मैं तो भाई नाश्ता किया नहीं तो मैं रुकूँगा नहीं, चल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो ये खजूर का पेड़ पूरा लगा पड़ा है। और वीडियो अच्छा लगा तो अभी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ भैया, क्या हाल है? अरे आपकी वीडियो अगर नहीं बोलोगे नहीं बनाएंगे, टेंशन ना लो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना नहीं बनाएंगे हम, अब डरना नहीं है भाई की, जो कि जो बोलता है मैं उसी का बनाता हूँ। वैसे भाई सब रिस्क है, किसी का वीडियो बना लेंगे तो रिस्क है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, फिर बाद में आपको दिखाते हैं। नाश्ता भी नहीं किया हम, इन लोगों से थोड़ा मिल लें, मुलाकात कर लें, मुलाकात करने के बाद चलेंगे। ठीक है दोस्त, बाय। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने रूम पर, वहाँ से मुलाकात कर लिए हैं, मुलाकात करके आ गए हैं रूम पर। देखिए हमारी पत्नी क्या कर रही है, और हमारी पत्नी लगता है भाई तैयार हो गई है, उठ उठ गई है। और क्या बना रही हो बब्बू, क्या बना रही हो? पास्ता बन रहा है गाइस। तो जिसको पास्ता खाना है यानी नाश्ता खाना है, आ जाओ भाई। हम तो भाई साहब जा रहे थे, भाई साहब तुरंत अभी आए हैं। वो कपड़ी की लड़की क्या बोल रही थी, 1 घंटा इंतजार करना, जाना नहीं। और मैंने ध्यान से सुना नहीं, मैं भाई साहब निकल आया इधर, वहाँ से आधा घंटा उन लोगों के साथ बकचोदी किया, उसको आ गया रूम पे। फिर अभी बुला रही थी, वो बोली सीधे कम गेट में, ना कम गेट, मैं तो घर पे भाई, गेट पे कैसे बुला रही है। मैंने उसको बोला तो फिर पता नहीं कैसे, मतलब उसका शायद दोस्त कोई है, उसकी लड़की मतलब लड़की में दोस्त कोई है, शायद उसके साथ जा रही है। तो मैं फिर घूम के रास्ते में था, तो वो बोली लाला माई जी, तो मैं फिर वापस आ गया। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या बोलो, तुम भी बोल दो, थोड़ा मुन्ना बोल दो, हमारे वीडियो नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे वीडियो में बोलते हैं ना, बोलेंगे तो बोलो नमस्ते। और बस बाय बाय बाय, इसका मूड नहीं है बोलने का, शायद इसका तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, बुखार उखार है, शायद इसको लग रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हम चल रहे हैं पास्ता खाने, आप लोग भी नाश्ता कीजिए, जो भी खाना पीना खाइए, और मस्त रहिए, मौला रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, भूलिएगा मत। ठीक है, टेक केयर, लव यू।